वहीं मेरठ में बार एसोसिएशन के वकीलों ने किसानों के समर्थन में जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और वकीलों का कहना है कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। हम किसानों के साथ हैं, 26 जनवरी को दिल्ली में हुए दंगे में न्यायिक जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किसानों के प्रति जो मुकदमे लिखे गए हैं उन्हें तत्काल वापस लिए जाएं। आंदोलन करने वाले किसानों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। आज का जो हमारा ये वकीलों का बार एसोसिएशन की तरफ से एक प्रदर्शन हुआ है और ये किसानों के हित में हुआ है। जो सरकार ने तीन कानून बनाए हैं, काले कानून जो बनाए हैं, उनको वकीलों ने भी उसका अध्ययन किया है, वो किसानों के कतई हित में नहीं है। और किसानों के अलावा जो आम जनता है, जब ये इनके पास ये हक पहुंच जाएगा और जब जो इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, सारी फसलों के अनाज को सारी को कैप्चर कर लेंगे, फिर वो जो मक्का का आटा आज 20 रुपए किलो बिक रहा है, इनके पैकेट में वो 70 रुपए किलो बिकेगा। ये किसानों के लिए नहीं बल्कि आम आदमी, जो देश का आम आदमी है, आने वाले समय में इन कानूनों का उनके प्रति भी विपरीत असर पड़ना है।